बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है इसराइल में हुआ है भयानक विस्फोट और ये विस्फोट इसराइल के काफी संवेदनशील इलाके में हुआ है आखिर किसने करा ये विस्फोट और ईरान क्यों मना रहा है खुशियाँ तो आखिर इसराइल ने यूएई के साथ क्यों उतार दी अपनी वायुसेना इस वक्त बड़ा हलचल मचा हुआ है ईरान और इसराइल के बीच जानेंगे इन खबरों को विस्तार ऐसी तो देखो आप ईरान और इसराइल के बीच एक सेडो युद्ध एक सेडो वार चल रहा है और काफी समय से चल रहा है मोसाद जो कि काफी एक्टिव रोल निभा रही है इन सब में यहाँ तक कि मोसाद ईरान के अंदर इतना ज्यादा घुस चुकी है कि पिछले साल ही मोसाद ने कई बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए और जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल था न्यूक्लियर साइंटिस्ट ईरान के परमाणु वैज्ञानिक फकरीजा देह को उड़ाना वैसे तो इसराइल ने कई बार ईरान में ब्लैकआउट करा है साइबर अटैक करा है लेकिन कभी पहले 20 सालों में इजराइल कभी इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता था पर अब देखिए अब हालात ऐसे हो गए हैं कि इजराइल खुलेआम इस चीज की जिम्मेदारी ले लेता है इसका बड़ा एग्जाम्पल है नानताज में हाल ही में जो इसराइली हमला हुआ जिसमे परमाणु संयंत्र ऐसी से बाहरी विद्युत की पूरी लाइन ही कट गयी एक तरह से पूरा ब्लैक आउट हो गया और जिसका सबसे बड़ा असर पड़ा सेंट्रीफ्यूज पर जो कि बर्बाद हो गए ईरान के वैसे ईरान ने इस जगह पे दो बर्बादी झेली एक तो इसराइल ने उसके सेंट्रीफ्यूज को खराब कर दिया दूसरा ईरान ने तुरंत प्रतिक्रिया दे दी कि हम 60 परसेंट इनरिचमेंट करेंगे यानी परमाणु बम की ओर बढ़ गए हैं जिसके बाद ईरान और अमेरिका के बीच जो समझौता हो रहा था वो भी ठंडे बस्ते में जाने लगा तो वहीं इस पूरे घटना में देखिए इजरायली मीडिया और न्यूयॉर्क टाइम्स को खुले आम मोसाद ने ये कहा कि इस घटना को अंजाम मोसाद ने दिया है पहले कभी इस तरह की बात नहीं होती थी पहले अगर कोई घटना होती भी थी तो चुपचाप रह जाता था लेकिन इस घटना के बाद ईरान ने भी प्रतिज्ञा कर ली कि वह इसराइल पर हमला करेगा इसका बदला लेगा वैसे आपको बता दें और अब ये खबर आ रही है कि ईरान के पूरे न्यूक्लियर प्रोग्राम के महत्वपूर्ण डेटा को उड़ा लिया गया है और न तो ईरान अपने साइंटिस्ट की रक्षा कर पा रहा है और न इन डेटा अब देखो जो नानताज की घटना हुई है ये घटना ईरान के लिए एक बड़ी सीख है और ये बतलाती है कि ईरान के लोकल लोग बड़ी संख्या में इसराइल के साथ इसराइल के मोसाद के अंदर पहुंच चुके हैं यानी ये कहें कि मोसाद की पकड़ ईरान के लोकल लोगों पर हो गई है बिना किसी ईरानी के मदद से इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकता था इसराइल क्या आपने कभी सुना है की इस तरह की कोई हरकत उत्तर कोरिया में हो गया हो जाहिर सी बात है वहाँ की जनता ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती है खैर इन सब के बीच में दोनों देशों के बीच अब तक छोटी छोटी वारदाते चल रही थी जैसे एक दूसरे के कार्गो शिप को उड़ाना पर अब एक बड़ी वारदात हो गई है और इसके पीछे किसका हाथ है ये आधिकारिक तौर पर तो अभी सामने नहीं आया है लेकिन एक बहुत भयानक विस्फोट हुआ है और वो भी इसराइल के डिफेंस फैक्ट्री में जिसे काफी सेंसेटिव माना जाता है बीच इसराइल में सेंट्रल इसराइल में यह हादसा हुआ है तोमर फैक्ट्री में यह हादसा हुआ है जिसमें काफी एडवांस विपन रॉकेट इंजन सैटेलाइट लॉन्चर और कई तरह के मिसाइल्स बनते हैं और बड़ी बात है ये जो विस्फोट हुआ है ये बिल्कुल देखने से दूर से ही लग रहा था जैसे कि कोई परमाणु विस्फोट हुआ हो मशरूम के आकार के गैस के गुब्बारे निकल रहे थे साथ ही साथ एक बड़ी तेज आग जल रही थी और फैक्ट्री से जब ये बातें पूछी गयी तो ये कहा गया की कि ये किस तरीके ऐसी हुआ अभी हम इसको पता कर ही रहे हैं ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि सारी चीजें बहुत कंट्रोल तरीके से कर की जा रही थी देखिए ये फैक्ट्री वो फैक्ट्री है जो इसराइल के महत्वपूर्ण हथियारों को बनाती है जिसमें से एक एरो मिसाइल इंटरसेप्शन सिस्टम भी है अब इसराइल जोर शोर ऐसी पड़ गया है इसके पीछे की आखिर ऐसा कैसे हो गया क्या इसके पीछे ईरान का हाथ है ईरान ने हाल ही में इसराइल को धमकी भी दिया था नानताज की घटना के बाद और अब इस घटना के बाद ईरान मीडिया बहुत खुशी मना रही है कहा तो ये भी जा रहा है कि जिस फैक्ट्री में विस्फोट हुआ है वहाँ कोई सीक्रेट रॉकेट टेक्नोलॉजी बन रही थी जो बुरी तरीके से बर्बाद हो गई है हालांकि अभी तक इसराइल ने ये नहीं कहा है कि ये किसी और देश का किया गया कारनामा है लेकिन इसके लिए पूरी टीम बिठा दी है अभी साधारण तौर पर यही कहा जा रहा है की ये तो हमारा रूटीन परीक्षण था अचानक ऐसी ये कैसे हो गया वैसे ईरान को इधर बीच इसराइल एक के बाद एक बड़े झटके दे रहा था इसलिए ईरान के ऊपर शक की सुई ज्यादा घूम रही है जैसे कि इसराइल जो कि हाल फिलहाल में यूएई का दोस्त बना है दोनों ने मिलकर ग्रीस के अंदर एक बड़ा युद्धाभ्यास किया है जिसमे एयर डॉग फाइट बड़े स्केल में एयर स्ट्राइक और बचाव के ऑपरेशन आरोप ये युद्धाभ्यास पूरी तरीके ऐसी आधारित था वैसे तो ग्रीस और इसराइल के बीच कई बार युद्धाभ्यास हुए हैं लेकिन ये पहली बार है कि इसराइल और यूएई ने इस युद्धाभ्यास को करा और न सिर्फ करा बल्कि पूरी दुनिया को बताया भी वैसे आपको बता दें इस एक्सरसाइज में धीरे धीरे साइप्रस इजराइल यूएई, फ्रांस अमेरिका स्पेन और कनाडा भी शामिल होने वाले है दर्जनों लड़ाकू विमान हर देश ऐसी पहुँच रहे हैं यहाँ पे वैसे आपको बता दें इन सब का कॉमन दुश्मन है ईरान और ईरान जिस तरीके से परमाणु बम बनाने की तरफ मुड़ चुका है इसराइल को बर्बाद करने की धमकी भी दे चुका है ऐसे में इसे माना जा रहा है कि ईरान के खिलाफ इसराइल की एक बड़ी तैयारी है इसराइल ने तो ये बिल्कुल साफ कह दिया है की दुनिया की कोई ताकत ईरान को परमाणु बम बना के नहीं दे सकती है और मैं उसे बनने दूंगा नहीं ऐसे में अब ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये विस्फोट अगर ईरान की तरफ से किया गया है तो ईरान को इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा इस बार जिसे निशाना बनाया गया है वो इसराइल का बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है इसलिए इसे काफी संवेदनशील माना जाता है वैसे आपको बता दें इसराइल इस वक्त खुशियाँ मना रहा था कि उसके इक्यासी प्रतिशत जनता को कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है जिसकी वजह से अब इसराइल में मास्क हटा दिया गया है मास्क लगाने की जरूरत नहीं रही है पर इन सब के बीच में इसराइल के साथ ऐसा कुछ किया गया है जिससे कि उसकी की उसकी रीढ़ की हड्डी ही टूट जाए इसराइल के सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील इलाका इलाके में हुआ है बड़ा हमला ये वो जगह है जहाँ से इसराइल को एक से बढ़कर एक हथियार मिलते हैं और इतना बड़ा विस्फोट इसराइल ने पहले कभी नहीं दिखा था क्या यह परमाणु बम विस्फोट था वैसे आपको क्या लगता है क्या इसराइल के अंदर जो ये विस्फोट हुआ है इसके पीछे ईरान का हाथ हो सकता है कमेंट कर अपनी राय जरूर बताए जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ